नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेगल कोचिंग सेंटर से आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट आज हम लॉन्च करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 3 के लिए अगला डिस्क्रिप्टिव बैच, जो कि 16 मई से स्टार्ट होगा और उसमें सारा कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ डिटेल में हम लोग इसमें बैच में करवाने वाले हैं और ये ऑनलाइन बैच होगा। तो टायर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, टायर 3 में क्या क्या होता है और टायर 3 से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, जिससे कि टायर 1 और टायर 2 में जिन स्टूडेंट्स के इतने अच्छे नंबर नहीं है, तो कम से कम 15-20 नंबर का अगर फायदा डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हैं इसमें। और साथ में क्या है कि कुछ एक ऐसे जो फॉर एग्जाम्पल UFM है या इस तरह के जो इश्यू होते हैं, उससे अगर आप बच जाते हैं तो आप टायर 3 के जरिए काफी कुछ तस्वीर है वो चेंज कर सकते हैं। तो पूरा प्रेजेंटेशन जरूर ध्यान से समझिए शुरू से लेकर, ताकि मैं पूरी जानकारी आपको दे पाऊँ। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं SSCGL टायर 1 200 मार्क्स का होता है और टायर 2 है वो होता है 400 मार्क्स का। 200 के दो पेपर होते हैं, 200 200 मार्क्स के। तो अगर 210 नंबर के पेपर होते हैं तो इसको मैं 2 से करूं तो कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स है टोटल हो गए, 400 मार्क्स टोटल हो गए, 200 मैथमेटिक्स 200 इंग्लिश। तो ये जो 600 नंबर है, मैं 2019 के जो बच्चे अभी अपियर हो रहे हैं टायर 3 में जो अपियर होंगे उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि टायर 2 और टायर 3 दोनों साथ में होना है और बहुत जल्दी ही जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी तो एग्जाम है, स्टूडेंट को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, कभी भी हो सकता है। तीसरा है कि एसएससी सीजीएल टायर 3 डिस्क्रिप्टिव है, उसके 100 मार्क्स होते हैं और ये क्या है कि इसके साथ में ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो एक एक्चुअल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें एक एक नंबर दो दो नंबर की वजह से किसी बच्चे की रैंक रह जाती है, किसी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन रह जाता है। अगर वो स्टूडेंट है स्टार्टिंग में टायर 3 में ही फोकस कर ले और 15-20 नंबर का डिफरेंस इजिली वो क्रिएट कर सकता है अच्छी तैयारी करने के साथ साथ, वो एक अच्छी तैयारी करके वो 20-30 नंबर का डिफरेंस करके वो अच्छी जॉब पा सकता है। तो इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब टायर 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो टायर 3 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन से स्टेप्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे कि टायर 3 में आपको मदद मिलेगी अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि आपको ये एग्जाम, फर्स्ट यू नीड टू टेक इट सीरियसली। कई बच्चे तो पहले ही हथियार डाल देते हैं या क्या सोचते हैं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मैथ और इंग्लिश पे पूरा फोकस कर लेता हूँ। और होता क्या है कि उसके कई बार तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आते, कई बार क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते या फिर 50-40 नंबर इस तरह से आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसकी जो पूरी प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी एक्सपेक्टेशन है, वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग या बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर टायर 3, थिंक अबाउट साइटिंग। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज राइटिंग स्किल टेस्ट, नॉट एन इंग्लिश और हिंदी और जीके और जीए टेस्ट। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो वो क्या, उनको लगता है कि वो अच्छा तो लिख ही देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 200 मार्क्स किए हैं जिन्होंने टायर 2 में, और वो बच्चे एक ईमेल ढंग से नहीं लिख सकते। तो राइटिंग स्किल्स अलग होती है और एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में MCQ फॉर्मेट में स्कोर करना बिल्कुल अलग हो जाता है। स्पोकन इंग्लिश होती है वो अलग होती है, ये सारी चीजें अलग अलग है। ऐसे ही जो बच्चे सोचते हैं कि उनकी हिंदी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा स्कोर करते थे, क्या वो किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को चेक करें पहले कि क्या वो किसी भी टॉपिक पे, लॉकडाउन का इंपॉर्टेंस क्या है COVID-19 में, उस पे आप 200-250 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इससे आपको पता चल जाएगा क्या आप वास्तव में लिख पाते हैं या आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसमें। ऐसे ही जीके या जीएस, उसमें अच्छे होने का इंडिकेशन नहीं है कि राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है। राइटिंग स्किल्स अपने आप में एक पूरा फुल सब्जेक्ट है, वो एक प्रैक्टिस से ज्यादा इंप्रूव होती है। राइटिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रैक्टिस ओनली। जैसे मैंने एग्जांपल लिया टॉपिक का कि आपको लॉकडाउन की क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर COVID-19 में, लोग घर पर रहकर काम करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पूरी इकोनॉमी में, जो लेबर माइग्रेशन है लेबर का उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपैक्ट है पूरी इकोनॉमी पे आएगा। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को इकट्ठा कीजिए और लिख कर देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पाते हैं, क्या किसी भी टॉपिक पे,
किसी भी टॉपिक पे आप लिखने की एबिलिटी डेवलप करते हैं, या फिर क्या है कि कहीं ऐसा नहीं आप कुछ एक टॉपिक करेक्टा मार कर चले जाए, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक आपको पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हमेशा ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हर तरह के टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी डेवलप करें, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या फिर एसे राइटिंग हो, या हो सकता है लेटर की बजाय दो एसे भी आ सकते हैं, या पैराग्राफ भी आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग, मतलब इस तरह से आपको राइटिंग आनी चाहिए। राइटिंग 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 जब आप करते जाएंगे तो हमेशा जब लिखने की आदत होगी आप बहुत अच्छा एक किसी भी टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी डेवलप कर देंगे। गेट इट इवेल्युएटेड सो दैट यू हैव एन आइडिया वेयर डू यू स्टैंड। बेटर यही होगा कि जो आपने लिखा है वो किसी दूसरे को दिखाएं, किसी टीचर को आप दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर वो 100 मार्क्स में आपको 70 80 नंबर दे रहा है तो इसका मतलब क्या, आप अच्छा लिख रहे हैं। अगर वो बोल रहा है कि आपको 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर इस रेंज में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राइटिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको फटाफट इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। राइटिंग करना, प्रैक्टिस करना इसकी, और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करवाना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हालांकि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका आपको रिवार्ड मिलेगा। 15-20 नंबर या 5-7 नंबर भी आप डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा आपकी ड्रीम जॉब मिलने में। और कई बार क्या होता है कि जॉब के बहुत नजदीक पहुंचकर भी वापस आ जाते हैं, वो आप संकट से निकल सकते हैं। अभी आपके पास में टाइम है। इस कोरोना टाइम का, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है या हालात ऐसे है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आप इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में इनकैश करें। बहुत सारे लोग घर पे बैठकर, आपकी लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं घर पे बैठकर, बहुत सारे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो आपको तो जरूर इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। एफर्ट्स आपके चाहिए इसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अब आ जाता है कि पिनेकल है आपकी जर्नी में, पिनेकल आपकी इस पूरी जर्नी में कैसी मदद कर सकती है, ये हमारे सामने। अब मैं आपको इसके ऊपर ले चलता हूं। तो देखिए, हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम, आपको पूरे इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं बनेगा जो इतना ज्यादा सिस्टमेटिक हो, इतना ज्यादा वास्ट हो और इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो। टू वे है, बहुत प्रैक्टिकल है ये, और 100% आपकी इंप्रूवमेंट होती है। तो ये वाला, हालांकि इसमें हमारे एफर्ट्स बहुत लग जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट इस पे आती है, इसको रन करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा जो हम काफी समय से बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करते आ रहे हैं, न सिर्फ SSCCGL टायर 3 डिस्क्रिप्टिव में, बल्कि UPSC में और स्टेट सर्विसेज के जो राइटिंग, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है मेंस के, उसमें भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है हमारा प्रोग्राम। तो ये यूनिक प्रोग्राम है राइटिंग स्किल्स का। 300 प्लस एसे के टॉपिक, 300 प्लस एसे के लेटर के टॉपिक, ये आपको ऑलरेडी आपको एज ए सोर्स मिलेंगे, रिसोर्स मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना माइंडसेट है, आपको एक आइडिया हो जाए कि एसे कैसे लिखा जा रहा है, टॉपिक कैसे लिखा जा रहा है, उसका हर वीडियो आप, वीडियो सैंपल वीडियो आप यूट्यूब पे भी हमारे देखते हैं, नीरू मैडम की सैंपल आपने वीडियो देखे होंगे। इसके अलावा इसके साथ में उन वीडियो का, या आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग अच्छे लिखे हुए ऐसे होते हैं, अच्छे लिखे हुए टॉपिक होते हैं, उनका एनालिसिस करते हुए PDF बनाते हैं, वो वाला आपको पूरा मिलता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी के वीडियो भी होते हैं, जैसे कि ऐसे आपको कैसे लिखना है, फॉर्मल राइटिंग कैसे, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, कुछ टिप्स रिलेटेड होता है, गाइडेंस रिलेटेड होती है, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, इस तरह के आपको वीडियो इसमें मिलते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 20 मॉक टेस्ट। ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे, जैसे रियल में एग्जाम होता है उसी तरह के जो टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट इसका टेस्ट देते हैं। एक शेड्यूल होता है कि आज ये टेस्ट होना, आज ये टेस्ट होना, इस तरह से डे वाइज वो डैशबोर्ड बटा हुआ होता है और लाइव डैशबोर्ड होता है, जिससे कि आपको पता चलता रहे इमीडिएटली। मान लो 3 बजे पेपर वहां पे लिंक बनाया जाता है तो आपको 3 बजे ही नजर आएगा लाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैसिलिटी है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और आप 100% कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी भी तरीके का एग्जाम जहां पे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूछी जाती है, आप उसको देने में कामयाब, अच्छे स्कोर करने में कामयाब मिलेंगे। न सिर्फ SSCCGL टायर 3 बल्कि दूसरे एग्जाम भी होते हैं जहां पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, वहां पे भी आपको मदद करने वाला है। इवैल्यूएशन ऑफ ईच मॉक, जब आप टेस्ट देते हैं इसका, आप घर बैठे बहुत अच्छे ढंग से ये ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। हम आपके पेपर को इवेल्युएट करते हैं, आपको कोई कुरियर वुरियर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। वो सारा डैशबोर्ड पे आपको लिखा होता है, उसके वीडियो बने होते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो एनालिसिस करते हैं उसके बाद में हम लोग, और जो कुछ एक सैंपल वीडियो आपको यूट्यूब में मिलते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं हम लोग करते हैं कैसे। अब आपको है कि ज्वाइन कैसे करना है, क्या है ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए
अब मैं आपको बता, हमारी वेबसाइट पे जाना है आपको। ये जो प्रोग्राम है ये ऐप के जरिए नहीं है, मोबाइल ऐप के जरिए नहीं है, और जो हमारा वेब पोर्टल है उसके जरिए नहीं है, और हमारे जो वेबसाइट है उसके जरिए नहीं है। वहां पे आपको खरीद सकते हैं वहां पे जाकर, लेकिन जो एक्चुअल में ये प्रोग्राम रन करता है वो आपको ईमेल में डैशबोर्ड का लिंक दिया जाता है, प्राइवेट लिंक होता है, उस लिंक के जरिए ही सारा का सारा प्रोग्राम है, जिसमें कि सैकड़ों वीडियो है, पीडीएफ है, वो सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा और कहीं पे आपको ये प्रोग्राम नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे चलता दिखाता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम कहाँ से खरीदना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। ये हमारी वेबसाइट है। अब देखिए यह है ssccglpinnacle.com। आप इस साइट पे जाकर और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जब आप ये सर्च करेंगे, या फिर क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट में जा सकते हैं, प्रोडक्ट में जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऐसा आपको मिलने वाला है। इस तरह से आपको यहाँ पे आखिर में SSCCL टायर 3, ये भी सारी कोर्सेज अलग अलग टाइप के कोर्सेज है, लेकिन इस पे जब आप क्लिक करेंगे या प्रोडक्ट में जाकर वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको इस बोर्ड है, इस पेज पे आपको ले जाएगा वो। और जब आप इस पेज पे जाएंगे, इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो भी वहां पे आपको नजर आएगा। तो इस पे जाकर क्लिक करके, इसका प्राइस है 2000 रुपए, इसका प्राइस है। आप ये देखिए कि इसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है, और पेपर का इवेल्युएशन होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, मैनुअल प्रोग्राम है। तो आप इस प्रोग्राम के, इसकी कॉस्ट को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ में कंपेयर न करें। कई बच्चे कहे कि इसको कोई टेस्ट सीरीज या किसी मैथ इंग्लिश के साथ में कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल एक अलग टाइप का प्रोग्राम है, दो अलग अलग चीजें हैं। आपको एड टू कार्ट में जाना है, तो जब आप कार्ट में जाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे फिर जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, प्रोसीड टू चेकआउट। जब इस पे जाएंगे, जब आपके ये कार्ड में ऑटोमेटिक कूपन है जो डिस्काउंट पीछे दिया हुआ था उसका, और उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आखिर में आपको इस तरह के नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट्स और कार्ड है, इससे जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपके पास रिसीट आएगी, लेकिन आपके पास में जो कंटेंट वाला या डैशबोर्ड आएगा वो कब आएगा, वो वर्किंग आवर में स्टाफ है आपको भेजेगा, ठीक है। और वो कैसे भेजते हैं, वो आपको ईमेल के जरिए पूरा भेजता है, ईमेल के जरिए आपको वो भेजेगा। लाइव डैशबोर्ड है, उसका लिंक भेजा जाएगा, उसमें शेड्यूल लिखा होगा, और जो आपकी ऑफिशियल आईडी है उसके जरिए आपको ईमेल मिलेगा। तो आपको ईमेल चेक करनी है, वहां पे आपको डिवाइस शेड्यूल मिलता है, वीडियो मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, कंटेंट ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। जो 20 टेस्ट है ना, वो आपको हर रोज जैसे जैसे शेड्यूल है उसका, एक दिन छोड़कर एक दिन, या जैसे भी शेड्यूल बनाया होता है हमने, कोई सोच समझ कर बनाया होता है, तो वो वहां पे आपको मिलता है। प्रोसेस है पूरा सारा, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप पेपर को सबमिट कर सकते हैं, कैसे आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है इवेल्युएशन के लिए। फिर क्या है कि हर स्टूडेंट का एक अलग से डैशबोर्ड भी होता है, जो बच्चे पेपर भेजते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के जितने भी पेपर होते हैं वो सारा एक डैशबोर्ड अलग से उनको क्रिएट करके दिया जाता है, ठीक है। तो जो जो चेक करके जाएंगे और वो उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकता है और उसका पूरा फायदा उठाकर एक अच्छा स्कोर कर सकता है, कॉन्फिडेंट महसूस जरूर करेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। ये 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, आप टाइमली आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपका खुद का शेड्यूल बने और आप बिखरे में अपने आप को महसूस न करें। आपको एक डायरेक्शन मिलेगी वहां पे, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बेटर बना पाए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।